ज्योतिष अनुसार हर राशि की लकी नंबर और लकी कलर और कई सारे बातें अलग होते हैं, जिससे आपका जीवन किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। तो चलिए जानते हैं किसके भाग्य में है खुशी है और किसे मिलता है गम, किसको मिलता है प्यार और किस पर होती है पैसों की बौछार। मेष राशि, शुभ कलर सफेद, शुभ अंक 5। आपका भविष्य फल संकेत देता है कि आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी, क्योंकि प्रथम भाव में देव गुरु बृहस्पति स्थित है। इस सप्ताह आपको बहुत से निवेश के लिए कई नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि शनि देव आपकी चंद्र राशि से द्वादश भाव में विराजमान है। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी ओर आने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उन पर विस्तार पूर्वक विचार करें और उसके बाद ही अपना धन तभी लगाएं, जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर चुके हों। इससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा। परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आपको अपने करियर में कई शुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। फिर चाहे आपके रास्ते में दफ्तर की राजनीति आई या फिर कोई विवाद, आप हर समस्या को दूर कर लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते दिखाई देंगे। हालांकि आपकी सफलता देख आपके शत्रु भी आपके मित्र बन सकेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी भरपूर सराहना होगी। कामकाज के सिलसिले में व्यस्त रहने के कारण आप अपने परिवार को कम ही समय दे पाएंगे। ध्यान रखें, प्यार के रिश्ते में मनमुटाव होना स्वाभाविक है, बस समय रहते इन्हें दूर कर ले। जीवन आज आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे और जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आप अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। बिजनेस और करियर के लिए उपाय, महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। छात्र के लिए उपाय, सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। परिवार के शांति के लिए उपाय, गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय, देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करें। शनि दोष उपाय, 7:30 से प्रभावित जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। मांगलिक दोष, मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। शांति मंत्र, ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दैक भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वृष राशि, शुभ रंग हरा, शुभ अंक 2। जिस तरह किसी भी सब्जी में तड़का उस बेस्वाद खाने को लजीज बनाता है, उसी तरह कभी कभी थोड़ा सा दैक भी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दैक नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए दैक आने पर इस सप्ताह खुद को शांत रखते हुए जितना संभव हो स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। चंद्र राशि से नवम भाव में केतु महाराज के स्थित होने के कारण संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति बड़ी इन्वेस्टमेंट योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर ले। इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, इसलिए दूसरों पर किसी भी जरूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से बचे, अन्यथा बाद में आपको ही परेशानी होगी। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आपकी राशि के कई छात्र अपनी
पिछली गलतियों से सीख लेकर इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को भी याद रखने की जरूरत होगी कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर समय आपको इच्छानुसार ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि कई बार हम असफल होकर भी जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। छात्र के लिए उपाय, सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय, महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय, गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय, देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करें। शनि दोष उपाय, 7:30 से प्रभावित जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। मांगलिक दोष उपाय, मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। मिथुन राशि, शुभ रंग लाल, शुभ अंक 1। इस सप्ताह यूं तो आपकी सेहत में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे क्योंकि सप्तम भाव में केतु महाराज स्थित है, लेकिन आपके लिए आवश्यक होगा कि आप काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी करें, अन्यथा आपको अत्यधिक थकान हो जाएगी और उसका प्रभाव आपकी शारीरिक क्षमता पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस हफ्ते आपको कोई बड़ी समस्या होने की आशंका न के बराबर ही रहने वाली है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति चंद्र राशि से द्वादश भाव में स्थित है। इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, परंतु इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा परंतु आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आप अपने पूर्व के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र के उच्च पद भी मिलने की प्रबल संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। छात्र के लिए उपाय, सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय हैं, महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय हैं, गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय, देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने से। शनि दोष उपाय, 7:30 से प्रभावित जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। मांगलिक दोष उपाय, मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। शांति मंत्र, ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सिन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दैख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कर्क राशि, शुभ रंग नीला, शुभ अंक 6। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे तो इस सप्ताह आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही सुबह के समय पार्क में घूमना भी आपके स्वास्थ्य को इस दौरान दुरुस्त रखने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसे में और ध्यान देते हुए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम में बेवजह की जल्दबाजी न दिखाएं, धैर्य से काम लें और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं।
इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर किसी भी मीटिंग में आपको अपने विचारों और सुझावों को रखते समय बेहद स्पष्ट होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि देव दशम भाव में उपस्थित है। ऐसे में यदि आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपको मायूसी हाथ लगेगी। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर संतुलित आहार लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो, जिसका खामियाजा आपको आने वाली किसी परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। उपाय हैं, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के लिए हवन यज्ञ करें। छात्र के लिए उपाय, सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय हैं, महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय है, गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय, देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने से। शनि दोष उपाय, 7:30 से प्रभावित जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। मांगलिक दोष उपाय, मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। शांति मंत्र, ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दैख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सिंह राशि, शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 5। इस सप्ताह चंद्र राशि से एकादश भाव में राहु महाराज की मौजूदगी होने के कारण इस राशि की महिलाओं के लिए एरोबिक्स करना उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में मदद करेगा। आपको अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी जरूरी ध्यान रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचना होगा, इसलिए आप घर पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जायके का आनंद उठा सकते हैं। इस सप्ताह आपके दोस्त व कोई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में आपकी मदद करेगा। जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य के सामने आपका कोई ऐसा राज या भेद उजागर हो सकता है, जिसके चलते आपको बहुत शर्मिंदगी का एहसास होगा। इससे सदस्यों के बीच आपकी छवि को भी नुकसान पहुँचने के योग बनेंगे। इस समय आपको हर प्रकार की गलतफहमी का शिकार बनने से बचाव मिलेगा। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। छात्र के लिए उपाय, सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय है, गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय, देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने से। शनि दोष उपाय, 7:30 से प्रभावित जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। मांगलिक दोष उपाय, मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। शांति मंत्र, ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दैख भाग भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। कन्या राशि, शुभ रंग पीला, शुभ अंक 7। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझे और ऐसा करने से बचे, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। इस सप्ताह कई घरेलू मोर्चे पर कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्या खड़ी होती रहेंगी। ऐसे में पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आपको ही जरूरी तालमेल बैठने की जरूरत होगी। इस दौरान परिवार के सदस्यों से कुछ भी कहते समय अपने शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर करें। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप इस अवधि के दौरान आपके अपने भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके मन में नकारात्मकता लेकर आएगा और आप करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी भी योजना को सोचने में असफल होंगे। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टी का ज्यादातर समय घरेलू वस्तुओं की मरम्मत करने की कोशिश में जाया हो जाए, जिससे छात्रों को कुछ बुरा लग सकता है, खास तौर पर तब जबकि वो चीज ठीक भी ना हो। इस सप्ताह आपके अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे, साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ अपने ससुराल जाकर कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा भी जता सकते हैं। हालांकि इस दौरान अपने साथ कोई मिठाई जरूर लेकर जाएं। छात्र के लिए उपाय, सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय है, गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय, देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने से। शनि दोष उपाय, 7:30 से प्रभावित जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। मांगलिक दोष उपाय, मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। शांति मंत्र ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया, सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दैख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तुला राशि, शुभ रंग काला, शुभ अंक 4। आपका सेहत में इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर इतना धन खर्च कर सकते हैं जिसका अंदाजा आपको भविष्य में ही जाकर होगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में स्थित है। इस समय आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी तो आप उसे खर्च करते हुए ज्यादा सोच विचार नहीं करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात करते नहीं दिखाई देंगे, जिसके पीछे का कारण आपका खुद को सर्वोपरि समझना हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने की बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देने सीखना होगा। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान सप्तम भाव में शनि देव की उपस्थिति के कारण आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से कम अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई के प्रति आपका लापरवाह नजरिया आपकी पूर्व की कड़ी मेहनत और आपके तमाम प्रयास विफल कर सकता है। ऐसे में खुद को दूसरों के सामने बेवकूफ सिद्ध करने से बचें। उपाय, यह रविवार के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करें, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। छात्र के लिए उपाय, सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय है,
गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय। देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने से। शनि दोष उपाय। 7:30 से प्रभावित जातक को सात मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। मांगलिक दोष उपाय। मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। शांति मंत्र ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दैख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वृश्चिक राशि। शुभ रंग गुलाबी। शुभ अंक 1। इस सप्ताह आपको सेहत से जुड़ी कई दिक्कत होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं, इसलिए शुरुआत से ही नियमित रूप से योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि आपका पहले से सावधानी बरतना आपके लिए काफी हद तक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। पूर्व समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन इस सप्ताह पूरे होने की संभावना है, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। साथ ही आप इससे अपने भविष्य को सुरक्षित करने में भी काफी हद तक सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपके प्रति पिता का व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपकी किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार लगाएं। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचे, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। इस सप्ताह आपका मन अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलने का करेगा, जिसके चलते आप कार्यक्षेत्र से छुट्टी भी ले सकते हैं। हालांकि आपका यूं अचानक छुट्टी पर जाना आपके कई कार्यों को बाधित कर सकता है, इसलिए आपको अपने कार्यों और उसकी तय सीमा को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी प्लान बनाने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह जो सभी लोग आपको अभी तक नालायक समझते थे, उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे, जिसके बाद आपकी गिनती उन विद्वान छात्रों के रूप में होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उनके साथ बात करना चाहेगा। परंतु इस दौरान अपने अंदर अहंकार को न आने दें, अन्यथा ये सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को ही खराब कर सकती है। उपाय: प्रतिदिन हनुमत उपासना करें और शनिवार के दिन एक नारियल को अपने सिर पर 7 बार घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करें। छात्र के लिए उपाय: सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय हैं: महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय है: गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय: देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने से। शनि दोष उपाय: 7:30 से प्रभावित जातक को सात मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। मांगलिक दोष उपाय: मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। शांति मंत्र ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दैख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धनु राशि। शुभ रंग भूरा। शुभ अंक 2। आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि चंद्र राशि से पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति स्थित है। इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद ले। यदि धन या जमीन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपकी खराब आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक वापस पटरी पर आती प्रतीत होगी। यदि घर के किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर ले जाने का आग्रह कर सकते हैं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले सामने वाले की विश्वसनीयता जान ले। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसाय इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे,
जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस राशि के छात्र इस सप्ताह अपनी पढ़ाई से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु अपना सारा समय व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि जब आपको इसके नकारात्मक परिणामों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उपाय, यह प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा और नारायण कवच का पाठ करें। गुरुवार के किसी मंदिर में जाकर चने की दाल एवं गुड़ दान करें। छात्र के लिए उपाय, सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय हैं, महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय है, गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय, देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने से। शनि दोष उपाय, 7:30 से प्रभावित जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। मांगलिक दोष उपाय, मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। शांति मंत्र, ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दैक भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मकर राशि, शुभ रंग लाल, शुभ अंक 5। पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी इस सप्ताह आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपकी राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि देव आपके धन भाव यानी कि दूसरे भाव में विराजमान है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए यह समय सामान्य से काफी उपयुक्त भी दिखाई दे रहा है। पूर्व के समय में यदि पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी थी तो इस सप्ताह उसके पूरी तरह से दूर होने की संभावना दिखती है, जिसके कारण परिवार में कुछ शांति आएगी। इससे आपका पारिवारिक माहौल तो काफी अच्छा रहेगा ही, साथ ही आपको भी सुकून मिलेगा। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप इस अवधि के दौरान आपके अपने भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके मन में नकारात्मकता लेकर आएगा और आप करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी भी योजना को सोचने में असफल होंगे। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिल होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। उपाय, घर में पारद शिवलिंग स्थापित करके उसका नित्य पूजन एवं दर्शन करें। छात्र के लिए उपाय, सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय हैं, महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय है, गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय, देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने से। शनि दोष उपाय, 7:30 से प्रभावित जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। मांगलिक दोष उपाय, मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। शांति मंत्र, ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दैक भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुंभ राशि, शुभ रंग सफेद, शुभ अंक 9। आपका प्रतिरक्षा तंत्र इस समय बेहद कमजोर होगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु महाराज स्थित है, इसलिए जरूरी हो तो बीमार होने से पहले ही आवश्यक दवा ले, परंतु आपको हर समस्या का घर पर स्वयं ही इलाज करने से भी बचना चाहिए।
इस सप्ताह चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति होने के कारण आपको बेवजह के धन खर्च पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, अन्यथा जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, जिससे आप उधारी पर धन लेते हुए खुद पर अतिरिक्त तनाव का बोझ बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह आप पारिवारिक शांति बनाने और सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे, परंतु बावजूद इसके आपको सदस्यों का जरूरी समर्थन प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इस दौरान आपको किसी अनुभवी शख्स से इस समस्या को लेकर बात करनी चाहिए। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है, तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए इस सप्ताह बिना देरी किए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे, अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे, खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और सिंदूर अर्पित करके गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। छात्र के लिए उपाय: सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय: महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय: गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय: देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने से। शनि दोष उपाय: 7:30 से प्रभावित जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करे। मांगलिक दोष उपाय: मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। शांति मंत्र: ओम सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सिन्तु निरामया, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दैख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मीन राशि शुभ रंग पीला, शुभ अंक 3। पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों का दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। पर्याप्त धन की कमी के कारण इस सप्ताह घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 6ठे भाव में विराजमान है। इसलिए ऐसी हर परिस्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझ कर बात करें और जरूरत पड़ने पर धन के संचय को लेकर उनसे सही सलाह मशवरा भी ले। इस सप्ताह आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए ही करना चाहिए, अन्यथा आपको लेकर दूसरों के मन में गलत छवि बन सकती है। इसलिए घर के लोगों से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान आपको सही से अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। अगर आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ने का विचार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपके लिए ये बेहद जरूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्य की जांच अपने तरीके से अच्छी तरह कर ले और उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे। यदि आपका अपने किसी सहपाठी या शिक्षक से कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह आप उस विवाद को खत्म करते हुए उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने की ओर प्रयास करते दिखाई देंगे। इससे आपको शिक्षा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के साथ ही कक्षा में आपकी छवि बेहतर होने में भी मदद मिल सकेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की साधना करें और शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने दान करें। छात्र के लिए उपाय: सुबह 6 बजे हर रोज 11 बार सरस्वती मंत्र का जाप करें। बिजनेस और करियर के लिए उपाय है: महामृत्युंजय मंत्र हर रोज स्नान करने के बाद पूजा घर में 21 बार पढ़ना है। परिवार के शांति के लिए उपाय है: गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देने से जीवन में समस्या कम होगी। वास्तु दोष उपाय: देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल पुष्प एवं लाल चंदन अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने से। शनि दोष उपाय: 7:30 से प्रभावित जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए या नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करे। मांगलिक दोष उपाय: मांगलिक दोषों का सबसे उत्तम और सरल उपाय है कि मांगलिक जातक को विवाह किसी मांगलिक से ही करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष का वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव काफी कम हो जाता है।
शांति मंत्र ओम सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दैख भाग भवेत् ओम शांति शांति शांति।